श्री रामानुज संप्रदायाचार्य स्वामी श्री पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस भूमंडल के दक्षिण भाग में नीचे की ओर 21 नरकों की स्थिति है। ये नरक हैं तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक, शालमली, वेतरणी, पूयोध, प्राणरोध, विशेषण, लाला भक्ष, सारमेय, ये सब नाम हैं इनके। महाराज, होता क्या है? सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले, होता कुछ नहीं है, यहाँ पे जो है सेवा होती है, बढ़िया एकदम खातिरदारी की जाती है। क्या खातिरदारी होती है? देखो, जैसे कपड़े गंदे हो जाएं तो वॉशिंग मशीन में डालते हैं, ऐसे ही जो लोग पाप करके दोषी हो जाते हैं, पाप करके जो लोग गंदे हो जाते हैं, उनको धोने के लिए नरक में भेजा जाता है। तो महाराज, कौन से सर्फ से धुलाई होती है? उन्हें धुलाई का वर्णन अब हम करते हैं। जो लोग अपने से बड़े लोगों को, अपने से जो पूजनीय लोग हैं उनको आंख दिखाते हैं, अपने माता पिता को तू तड़ाक करके, गाली गलौज करके बोलते हैं, अपमान करते हैं, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, अपने गुरु के साथ में द्रोह करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, ऐसे लोगों को एक बड़ा सुंदर नरक है। इसका नाम है कालसूत्र। इस नरक में ले जा करके बैठा देते हैं। महाराज, होता क्या है? बोले, मॉर्निंग वॉक होती है सवेरे सवेरे। यहाँ पे 10,000 योजन विस्तार का एक तांबे का पत्र बिछा हुआ है। देखो कितनी बढ़िया व्यवस्था की, पैर में कहीं गंदगी नहीं लग जाए, कहीं कंकड़ फंकड़ नहीं गढ़े। यमराज कितनी व्यवस्था देते हैं, तो क्यों नरक ना जाएं? क्यों भागवत सुन करके भगवान के धाम जाएं? हम तो नरक ही जाएंगे, इतनी व्यवस्था कहाँ मिलेगी वो नरक में। और रात में दौड़ोगे कहीं गिर गिरा गए तो प्रकाश के लिए एक सूर्य से काम नहीं चलता, 12 सूर्यों का वहां पर भयंकर प्रकाश होता है। और वो तांबे का जो पत्र है तप करके लाल हो जाता है, भयंकर अग्नि निकलती है उसमें से, और उस प्राणी को उस पर फिर दौड़ाया जाता है। दौड़ते दौड़ते पैर जल जाते हैं, मांस गल करके कट करके भस्म हो जाता है, धड़ाम से गिरता है, चिपक जाता है। फिर ऐसे एक बड़ा सा पलटा लेके रखते हैं, बड़ा वाला पलटा पता है, जिससे वो खोआ हुआ घिसा जाता है, वो खोए वाला पलटा लेके यमदूत आते हैं, फिर खरोंच करके उसको बाहर निकालते हैं। बाहर निकलते ही फिर शरीर बन जाता है, फिर दौड़ाते हैं। और इससे भी अच्छा एक और है नरक, देखो परीक्षित बताते हैं। जो लोग पशु पक्षियों का वो लेग पीस खाते हैं ना, लेग पीस लाओ, उनको लेग पीस खिलाते हैं ले जाके नरक में। वहां पर क्या होता है? बोले, एक बड़ा सुंदर नरक है जिसका नाम है कुंभी पाक। कुंभी पाक में एक बड़ी भारी कढ़ाई चढ़ी रहती है, उसमें तेल उबलता रहता है, और एकादशी के दिन पकौड़ी बनती है ना, कूटू की, आलू यों लो, यों गोल घुमाया और छोड़ा तो छप्पो से जाते ही वो बाहर निकलती है पक करके। ऐसे यम के दूत उस पापी प्राणी को पकड़ करके उस खोलते हुए तेल में पटक देते हैं, छन्न से चिल्लाता हुआ जल करके राख हो जाता है, फिर उसको छान करके निकाल के बाहर, तब फिर शरीर बन जाता है। किसी नरक में सुई धागे से सिलते हैं, महाराज कितने दिन तक रखते हैं? अरे नरक आपका है। जैसे पुराने जो चोर होते हैं वो जेल को क्या कहते हैं? ससुराल। तो नरक तुम्हारी ससुराल है, तो 2-4 दिन में थोड़ी छोड़ेंगे, बढ़िया खातिरदारी होती है वहां पर। कितने दिन महाराज? फिर भी बोले, हाँ आप क्या बताएं, देखो भीड़ तो बहुत रहती नरक में, लेकिन फिर भी यमराज समय देते हैं एक एक व्यक्ति के लिए। फिर भी जब पूछ रहे हो तो हम क्या बताएं, कम से कम एक शरीर, एक पशु के शरीर में जितने रोए हैं उतने 1,000 वर्षों तक एक नरक में इसको सेवा दी जाती है।